वेलकम ऑल ऑफ यू। नाउ अभी हम देखेंगे ये लेटर कैसे करते हैं। तो रेडी है सर? अभी कर रहे हैं हम बिग ए। अभी कैसे ना, इसको हम अलग अलग स्ट्रोक में भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम अभी ये देखेंगे कैसे किया है। पहले ये लाइन को नीचे लाना है फोर्थ लाइन तक, उसको ऐसे टर्न किया, ओके। देन सेकेंड लाइन को पूरा नीचे ऐसे लाया है और फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रोक यूज किया, ओके। अभी जो बीच में की लाइन है उसके लिए भी स्ट्रोक, और जो ऊपर ऐसे यहाँ पे भी स्ट्रोक यूज किया, क्लियर ना। और देखेंगे एक बार, देखो ये नीचे आने के बाद ऐसे इसको टर्न किया, देन सेकेंड लाइन पूरी नीचे तक लाके फिर स्ट्रोक यूज, बीच में की लाइन के लिए स्ट्रोक और ऊपर भी यहाँ पे स्ट्रोक यूज किया, क्लियर। और देख लो ऐसे, क्लियर हो रहा है सबको कैसे कर रहे हैं? ओके, इस तरह से आई थिंक समझ में आया है सबको। सो प्रैक्टिस करो पूरे पेजेस की, देन देखेंगे नेक्स्ट डिजिट। नाउ बी, अभी बी को कैपिटल लेटर बी। सो पूरे फोर रो पे हम करके देखेंगे इसको। रेडी स्टार्ट। ये देखो यहां से फर्स्ट लाइन फोर लाइन तक पूरी नीचे, फिर ऐसे, ओके, बीच में ऐसे लाना, ऐसे और फिर नीचे, like this, okay. So practice this letter, then next letter. Now C, C को भी हम four row पे करेंगे. So ready है C के लिए? Are ready? यहाँ से चालू करेंगे हम. Pen को ऐसा जैसे हम पकड़ते हैं वैसा पूरा टाइट, और पेन को बीच में बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, ऐसे और ऐसे ऊपर लेके आना सी सी। ओके, लाइक दिस, क्लियर। तो प्रैक्टिस करो पूरे पेज की, देन नेक्स्ट लेटर। नाउ डी, अभी देखो डी को पहले ये लेटर को पूरा ऑब्जर्व करना है आपको कि ये किस तरह से दिखता है, कैसे इस पर निकाला है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, रेडी। पहले ये स्ट्रेट लाइन खींचना है नीचे तक, देन यहां से थोड़ा आगे से चालू करके नीचे आना ऐसे, ऐसे डी, डी, ओके। ऐसे हमें इसको कंप्लीट करना। नाउ ई, अभी ई को देखो फोर लाइन पे जो हमने स्ट्रोक यूज किया था बीच में, वही स्ट्रोक ई के लाइन के लिए यूज किया है यहाँ पे। तो करके देखते हैं अभी हमने इसको,
रेडी, ये ऐसे पहले स्ट्रेट लाइन निकाली थी, फिर ये जो स्ट्रोक है हमारा ई का थोड़ा सा आगे से चालू किया है इसको ऐसे, फिर ऐसे ऐसे और नेक्स्ट पहले स्ट्रेट लाइन ऐसे लाइक दिस और स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ओके क्लियर हो गया सबको, सो कंप्लीट दिस पेज देन नेक्स्ट पेज।